बीजेपी की रणनीति रहती है कि चुनावी मुद्दे वो तय करे। अधिकांश बार वो अपनी चाल में सफल भी हो जाती है और विपक्ष बीजेपी के मुद्दों में फंसकर जीती हुई बाजी गवा देता है। इस बार की यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। सबसे पहले चुनावों में जिन्ना की एंट्री कराई गई, लेकिन सपा के किसी भी नेता ने जिन्ना के नाम पर रिएक्ट नहीं किया, तो फिर आतंकवाद को सपा से जोड़ने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने तो हरदोई की रैली में सपा की साइकिल को आतंकियों का वाहन तक बता दिया, लेकिन पीएम के बयान को सपा ने अपने ही हक में भुना लिया। पीएम के बयान को गरीबी विरोधी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी और सपा काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गई। सपा चीफ अखिलेश यादव अपनी रैलियों में लगातार जनता से जुड़े मुद्दे ही उठा रहे हैं। महंगाई, रोजगार के साथ विकास योजनाओं को लेकर तो अखिलेश योगी और मोदी सरकार पर निशाना ही साध रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर वो दावा कर रहे हैं कि किसानों की पूरी फसल खरीदी जाएगी और MSP पर भुगतान होगा। आवारा जानवरों की समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा। दरअसल आवारा पशु यूपी विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। किसान कई बार बीजेपी नेताओं की रैलियों में अपने पशु छोड़कर इसका विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। आवारा पशुओं के चलते किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। रात रात भर किसान खेतों में पहरा देने को मजबूर हैं, उसके बावजूद वो अपने खेतों को आवारा पशुओं से नहीं बचा पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसानों की परेशानी को समझा और सरकार बनने पर इस मुद्दे को हल करने का वादा भी कर दिया, जिससे किसानों का समर्थन सपा की ओर बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी को जब अपनी हार तय दिखी तो उसे भी अब इस मुद्दे को उठाना पड़ रहा है जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं। यानी अब बीजेपी अखिलेश यादव द्वारा बनाई गई पिच पर खेलने को मजबूर हो गई है। पीएम मोदी ने बहराइच की रैली में कहा कि चुनावों के बाद आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी। योगी आदित्यनाथ भी अब आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानी का जिक्र अपनी रैलियों में करने लगे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी अखिलेश यादव को अपनी पिच पर भले ही ना ला पाई हो, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है।